कहते 20 या 40 फार्मूला, इसमें कर 20 आर 40 फार्मूला, 20 या 40 का फार्मूला। अब ये 20 और 40 का फार्मूला क्या, ये याद रखें कि हम में से हर शख्स किसी जगह पे या 20 साल काम करता है या 40 साल काम करता है। 40 साल से ज्यादा काम करने वाले लोग मेरा नहीं ख्याल दुनिया में होते होंगे, अगर हैं तो सुपर नेचुरल ही होते होंगे, नेचुरल तो नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि 40 से क्या मतलब, मतलब फर्ज करें आपकी उम्र 20 साल उम्र है और आपने काम करना शुरू किया, तो 60 साल की उम्र में आपकी काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाए या बहुत कम हो जाए, या वो जो आप 8-8, 10-10, 15-15 घंटे काम करते होते तो वो नहीं करेंगे 60 साल की उम्र हो। और दूसरा ये जो 40 साल वाले कहते हैं रिटायर एट 40, तो आप 20 साल आपने काम किया 20 साल की उम्र में, तो 40 साल आपकी उम्र हो गई, तो 20 साल का फार्मूला। अब ये 20 साल का फार्मूला है या फिर 40 साल का फार्मूला है, अगर आपका 20 साल का फार्मूला है तो अब आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि अगर आपने अपना कैरियर दरमियान में छोड़ दिया तो आपको क्या फायदा होगा। आप प्री मेच्योर अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं, आप कहते हैं कि जी बस हो गई, बड़ी हो गई, तो अब मैंने मजीद काम नहीं करना, आप ये कहते हैं, तो उसके बाद जब आप प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आपको क्या फायदा होता है, ये भी आपने चेक करना होगा। तो जब आप जॉब करते हैं तो आपने ये देखना है कि अगर आप 10 साल बाद एग्जिट करते हैं, 15 साल बाद एग्जिट करते हैं, 20 साल बाद एग्जिट करते हैं, तो कंपनी आपको क्या देगी, ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पूरे 40 साल करते हैं या 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट आपको क्या फायदा, रिटर्न्स क्या, क्या आपको कोई बेनिफिट्स होते हैं, कुछ आपके पैसे जमा हो गए होंगे जो आपको दे दिए जाएंगे, 40 लाख रुपए ले जाएं आप अपने घर में, या आपको पेंशन मिल जाएगी, वो कितनी पेंशन होगी, फिर ग्रेजुटी होती है वो कितनी होती है, वो आपने चेक करना होता है, फिर क्या प्लॉट मिल जाता है आपको फैक्ट्री की तरफ से, ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो याद रखें कि ये रिटर्न्स है वो इनकम के साथ साथ इस चीज का भी है कि जब आप वो जॉब छोड़ेंगे या आप उस फैक्ट्री से एग्जिट करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा। सेम इसी तरह अगर आप, मैं दोबारा माजर चाहता हूँ, सेम इसी तरह कह गया सेम आप सुन रहे हैं, तो सेम ये है कि आपकी फैक्ट्री, अब आपकी अपनी फैक्ट्री, लेकिन याद रखें कि आप अपनी फैक्ट्री में भी सैलरी जरूर लिया, क्योंकि वो सैलरी आपका हक बन रहा है। और अगर आप फैक्ट्री से पैसे निकाल रहे हैं और अपने आप को कुछ नहीं दे रहे तो फिर आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मैं आज कह रहा हूँ, गोरा जो होता है वो अपनी तनख्वाह पहले तय करता है कि मेरी ये तनख्वाह, और वो सैलरी दूसरे मुलाजमीन के साथ लेता है, इसके अलावा कोई पैसा किसी कंपनी से लेता, वो सबसे बेस्ट होता है। इससे आपका ब्रांड, आपकी कंपनी भी फ्लॉरिश करती है और आप खुद भी, आपको भी पता होता है कि आपने गुजारा इन पैसों में करना है, बजाय इसके कि पूरी फैक्ट्री को आप अपनी जेब समझना शुरू करो या अपनी दुकान को या अपनी तजारत को, उसका नुकसान होता है। तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फर्ज कर लें कि आपकी फैक्ट्री और आपने या आप तजारत कर रहे हैं, आपकी फर्म है या आपकी कंपनी, तो पहला तो ये है कि आपने अपनी सैलरी रखनी है उसमें, और दूसरा ये है कि उसमें से भी अपनी रिटायरमेंट की एज रखनी है। आपने ये फैसला करना है कि 20 साल बाद मैं छोड़ दूंगा और मेरी जगह या कोई मैनेजर होगा या मेरा बेटा होगा या भाई होगा, या 40 साल की मेहनत के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, या मैं 3 घंटे का मुलाजिम हो जाऊंगा, या मैं बोर्ड पे चला जाऊंगा, या मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, और जो एक्टिव लोग होंगे वो दूसरे होंगे, और वो एक्टिव लोग जो होंगे इसको पूरे शो को रन करें, और उस वक्त मुझे क्या मिलेगा। उस वक्त के लिए भी आप तय करें कि ये जो ब्रांड है, ये जो फैक्ट्री है, मुझे कितने लाख रुपए देगी, 10 लाख रुपए देगी, 15 लाख रुपए महीने की देगी, 5 लाख रुपए महीने की देगी, या क्या क्या बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे। तो ये जो रिटर्न्स हैं आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर प्री मेच्योर रिटायरमेंट जो है, उसका फैसला करना भी बहुत जरूरी होता है। वो भी जब भी जॉब करें इस चीज को देखें, जब भी कोई ब्रांड बनाएं, जब भी कोई कारोबार करें तो इस चीज को जरूर देखें, इसका डेफिनेटली आपको फायदा होगा, इसका नुकसान कभी नहीं होगा। आपने जो क्लिप मुलाहजा किया है ये हमारे कैरियर डेवलपमेंट के कोर्स का हिस्सा है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके ये पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि इस कोर्स से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी।